أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये बयान किताब सुन्नी बहश्ती ज़ेवर कामिल से बयान किया जा रहा है, जिसको तहरीर फरमाया है खलील मिलत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील खान कादरी बरकाती कुद्दुस सिर्रहुल अज़ीज़ ने। गैर मुसलमान से निकाह। मुसलमान मर्द का निकाह किताबिया यानी यहूदी व नसरानी औरत के सिवा मजूसिया आतिश परस्त बुत परस्त आफताब परस्त गर्ज किसी काफरा से नहीं हो सकता, और मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किसी और मजहब वाले से नहीं हो सकता, अगरचा वो अहले किताब से हो। यहूदिया और नसरानिया से मुसलमान का निकाह हो सकता है, बाएं माना के निकाह कर लें तो हो जाएगा, यानी उसमें जमा जिना ना होगा, वती हराम ना कहलाएगी और औलाद मुसलमान करार पाएगी, मगर चाहिए नहीं कि उससे बहुत सी बुराइयों का दरवाज़ा खुलता है। औलाद पर अंदेशा कि यहूदियों नसरानियों की आदत सीखे, फिर यह जवाज़ उस वक्त तक है जब औरत अपने मजहब यहूदियत या नसरानियत पर हो, और अगर सिर्फ नाम की यहूदी नसरानी हो और हकीकतन नेचरी और दोहराया मजहब रखती हो, जैसे आजकल के अमूमन नसारा का कोई मजहब ही नहीं, तो उनसे निकाह नहीं हो सकता, और कर भी लिया तो ऐसी औरतों से नामे निकाह इस हराम को हलाल नहीं कर सकता। कादियानी मिर्ज़ाई की ख़त्म नबूवत की मुनकर हैं, और वहाबी राफजी जो बद मजहब ज़रूरियात दीन में से किसी दीनी ज़रूरत का इनकार करता और कतई कुफ्रिया अकायद रखता है, ऐसों से निकाह कतन यकीनन महज बातिल और जनाए खालिस है, और जो किसी ज़रूरत दीन का मुनकर नहीं उनके बारे में भी उलमाए अहल सुन्नत का कौल फैसल यही है कि उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात जायज़ नहीं। बद मजहब औरत को निकाह में लाते वक्त ये ख्याल कर लेना कि हम उस पर गालिब हैं, उसकी बद मजहबी हमें क्या नुकसान देगी, बल्कि उसे सुनी करें, महज हमाकत है। ये रिश्ता तो दोस्ती मेल रगबत मेल मोहब्बत महर पैदा करता है, और मोहब्बत में आदमी अंधा बहरा हो जाता है, और दिल पलटते ख्याल बदलते कुछ देर नहीं लगती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ऐसे को अपनी बेटी देना तो सख्त कहर कातिल जहर है कि औरतें मगलूब व महकूम होती हैं, फिर उन्हें अपने शोहर की मोहब्बत भी माँ से बाप से तमाम ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, फिर वो नरम दिल भी जायद हैं और नाकसातल अकल वालदेन भी हैं, और निकाह हर वक्त का साथ है, और वो बद मजहब है तो ज़रूर उससे ना दीदनी देखेगी और ना शनीदनी सुनेगी, और इनकार पर कुदरत ना होगी, तो ये उम्र भर के लिए फजीहत व रसवाई का सामान पैदा करना है। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन